कहीं जा रहे हो? क्यों आप क्यों पूछे, कोई काम है आपको? अरे काम है भैया, आओ बात करनी है, बैठो। बता क्या काम है। तुम्हें पता है मैं और बाबा तुम्हारे लिए परेशान हैं। अब आप परेशान हैं? शादी से पहले जब मैंने आपसे कहा था कि मेरी हेल्प करें, पापा को मना करें कि मेरे साथ वो ये जबरदस्ती ना करें, तब तो आपने उनकी साइड ली, मेरी एक भी नहीं सुनी। अब आप परेशान हैं? अरे यार, तुम अब तक उस बात को दिल से लगा के बैठे हो? दिल से लगा कर नहीं बैठा भाई, मुझे पहले ही पता चल गया था कि आप और बाबा एक ही पेज पे। आपने उनकी हाँ में हाँ मिलाई और अब देखें, मैं अपनी अम्मी और अब अपनी अनवांटेड बीवी के बीच में सैंडविच बन के रह गया। कम ऑन यार, रिलैक्स, इतनी हार्श बातें मत करो, तुम पे जज नहीं रही। जज तो मुझ पे शादी भी नहीं रही थी भाई, लेकिन अब देखें हो गई। खैर अब जब हो गई है तो प्लीज मुझे इसे अपने तरीके से हैंडल करने दे, अब बीच में डिफेयर ना करें प्लीज। ओके फाइन, ये लीजिए। वो सलमान का फोन आया था दफ्तर से, पूछ रहा था कि आप दफ्तर जाना कब शुरू करेंगे। क्यों, तुम्हें पैसों की तंगी हो रही है? ये मेरे यूं घर में बैठना तुम्हें बुरा लग रहा है? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं इसलिए नहीं कह रही थी। आपको कहाँ आदत थी घर में बैठने की, लेकिन जब से वो वाकया हुआ है ने लोगों से मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। ऐसे भी नहीं है, तो मस्जिद जा रहा हूँ रोजाना। हाँ, लोगों की तंजिया सवालिया नजरें छुपती हैं, सो छुपती। अब तो उसकी शादी हो गई है, इंशाल्लाह लोग ये सब बातें भी भूल जाएंगे। मरियम, तुम्हें क्या लगता है कि जब हमारी इकरा की शादी की उम्र आएगी 1-2 साल में, तो क्या जब तक भी लोगों को याद होगा ऐसा कुछ? आप अल्लाह पे भरोसा रखें, इकरा की शादी के वक्त तक यकीनन हालात बदल चुके होंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसे ही। सुने, मैं एक बात सोच रही थी, जब से समीन की शादी हुई है आप एक मर्तबा भी नहीं गए उसकी तरफ, और मुझे भी नहीं जाने दिया। मैडम, तुम्हें नजर नहीं आता, शादी के बाद से आज तक हमारा दामाद एक मर्तबा भी हमारे घर नहीं आया, और जब एक बार आया तो अपनी बीवी को बाहर छोड़ गया, फिर बाहर से लेके चला गया। अरे वो तो वो, उनका कोई घर वाला हमसे आज तक मिलने नहीं आया, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि वो हमसे कोई ताल्लुक, कोई मेल जोल रखना नहीं चाहते। लेकिन आपकी उसके ससुर से तो अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी, बड़ी इज्जत करने लगे थे आप, उन्हीं के बहाने हम अपनी बेटी के घर चले जाते। कोई दोस्ती वोस्ती नहीं थी, मुझ जैसा सफेद पोश आदमी खैरात की तरह उनसे रिश्ता मांगने उनके दरवाजे पे गया था, और मेरी सफेद पोशी पे उनको तरस आ गया था। बस ये कोई मोहब्बत और इज्जत का रिश्ता नहीं था, तरस और खैरात का रिश्ता था। बस इसीलिए नहीं जा सकता अपनी बेटी के घर। तुम भी आंदा है, बात मुझसे दोबारा मत करना।